अच्छा किया याद दिलाया, बिकॉज आज ये असाइनमेंट्स अभी आपको देखने पड़ेंगे। अभी आपका दिक्कत था कि ये रोटेट का जो बंदा है, मतलब मैं फिर से क्लिक करता हूँ और ये रोटेट का बंदा है वो मूव नहीं होता है, बराबर? हाँ, तो ये मूव क्यों नहीं होता है? तो उसके पीछे एक ही रीजन रहता है कि आप उसके ऊपर नहीं आते हो, आप थोड़ा सा भी ऑफसेट जाते हो तो वो ऑब्जेक्ट मूव होगा। आपको एग्जैक्टली ये जो डॉट दिख रहा है ना आपको, बुलसा है। Sir, हाँ I was making a mistake. I was going to the earlier version. एक और क्लिक मारो सर। हाँ तो ये मूव का है, ये मूव का है, बाय दिस वी मूव। नोड नीचे नहीं आ सकते इसका नोड नहीं नीचे इसमें, कर ये सकते, क्रॉस को। इसमें इसमें नोड नहीं नीचे कर सकते। फिर से आप क्लिक करोगे तो ये इसका एंकर पॉइंट है, बेस पॉइंट है, और उसमें भी कंडीशन ऐसा है कि बराबर उस सर्कल पे आपको आना है। जैसे यहाँ पर आ गया मैं, और फिर मैंने उसको जहां पर चाहिए वहां पर क्लिक करके ड्रैग किया, और क्लिक छोड़ना नहीं है यहाँ पर आपका। क्लिक अगर छोड़ देता हूँ तो बात खत्म। ओके, तो क्लिक पकड़ के रखना है आपको, और फिर उसको जहां पर चाहिए वहां पर रखो, और फिर अपना जो काम है ये अपना काम चालू कर दो, कंट्रोल आर। समझ गए? तो राइट नो प्रॉब्लम, सर। अंडरस्टूड? हाँ, और कुछ राइट। प्रॉब्लम्स आ गए क्या? मेरा असाइनमेंट सिर्फ एक ही बंदे ने किया है, दिस आशीष गए, ये एक बंदे ने किया है। ये देखो, अलाइन, टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट, मिडिल लेफ्ट, मिडिल सेंटर, मिडिल राइट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर, बॉटम राइट। ओके, लेकिन आशीष यहाँ पर एक प्रॉब्लम मुझे दिखाई दिया। आशीष, आहेस न तू? हाँ, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि अभी से वो प्रॉब्लम आप डीबग करो। अगर मैं जूम करता हूँ तो आप देखोगे कि ये मेरा पेज का बॉर्डर है, इस पेज के बॉर्डर के बाहर नहीं जाना चाहिए कुछ भी। तो ये जो है आपका वो नॉन प्रिंटेबल हो गया। ये देखो, ओके सर। जूम करता हूँ ऊपर का, तो आपका कट जो है वो यहाँ पर आएगा। ओके, तो ये सारा चीज आपका पेज के बाहर चला गया है। सी टू इट दैट ये अभी, ये बहुत ही बेसिक असाइनमेंट था, केजी का असाइनमेंट था, इसलिए ठीक है, लेकिन फर्स्ट स्टैंडर्ड से ये असाइनमेंट नहीं चलेगा अपने को। ओके, ये अभी जूनियर केजी का था। तो वो एक प्रॉब्लम मुझे अगले फाइल में भी दिखाई दिया, अगले फाइल में भी दिखाई दिया। ये तो ठीक है, ये तो किंडरगार्टन, मतलब ये तो एकदम ही ठीक है असाइनमेंट, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसमें मुझे और वही परेशानी दिखाई दिया। ये आपका पेज है, ओके, ये देखो, ये आपका पेज है, और ये पेज के बाहर ये चला गया है। ओके, एंड यहाँ पर आप अगर देखोगे तो ये बंदा भी आपका, ये बंदे के साथ अलाइंड नहीं है। ये जो बंदा है आपका वो यहाँ पर रहना चाहिए ना बराबर से, सिंगल लाइन शुड बी सीन। तो ये बंदा भी आपका अलाइंड, तो आप एक बार आपके फाइल में देख लो। ओके, ये देखो, ये जो है ये यहाँ पर रहना चाहिए, और फिर उसको अंदर की तरफ आउटलाइन देना चाहिए। आप कहोगे कि सर अंदर बाहर की तरफ आउटलाइन देने के बाद ये तो बाहर जाना ही है, तो नहीं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके चेसबोर्ड को और थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, रखो ना इतना, एंड फिर उसके बाद आप रेक्टेंगल टूल ले लो, और रेक्टेंगल टूल लेने के बाद आप इस नोड पॉइंट पे आ जाओ, ड्रैग करके यहाँ तक निकालो, और फिर आप ये आपका कॉन्टूर टूल लेना, और बाहर की तरफ जितना चाहिए उतना आप कॉन्टूर डाल दो। अंडरस्टूड? बाद में भी चाहिए तो आप कॉन्टूर को एडजस्ट कर सकते हो, जैसे तीन किया मैंने। अंडरस्टूड? समझ गए? हाँ, यस सर। अभी ये देखो, ये यहाँ पर सिंगल लाइन दिखेगा आपको, या ऐसा डबल लाइन नहीं दिखेगा आपका, कुछ ऐसे दिखेगा। फाइन, इट शुड नॉट बी सीन लाइक दैट। ओके, अभी अगर छोटा सा प्रिंट मारोगे तो ठीक है, लेकिन होल बनाओगे तो वो मिस्टेक नजर आ जाएगा। और ये भी ठीक है, ड्रैग, और आपने एन रखा है, फिर ग्रुप का बनाया, तो आपका नहीं कि आपने ग्रुप बनाया। सर हाँ बोलो ना। सर डिस्टरबेंस। या समवन्स माइक इज ऑन, प्लीज आपके माइक्स ऑफ कर सकते हो प्लीज।
माइक्स ऑफ रखो एवरीवन, आपके माइक्स ऑफ रखो प्लीज. ओके, सो नाउ लेट अस सी हाउ वी कैन प्रिपेयर ये एक्सरसाइजेस, ये असाइनमेंट्स. ओके, सिंपल से असाइनमेंट्स है, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक छोटा सा टूल सिखाता हूं. रेक्टेंगल है मेरे पास, और कुछ है, लेट्स से ये एक रेक्टेंगल है. ओके, अभी मैं इन दोनों को पकड़ता हूं, एंड इन दोनों को पकड़ने के बाद यहां पर मुझे कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे ऊपर प्रॉपर्टीज में, जिसमें से पहला ऑप्शन है वेल्ड. तो ये वेल्ड क्या करता है मालूम क्या, ये जो अंदर के जो भी कुछ वायर्स है, ये जो अंदर के लाइंस है, उनको वो हटा देता है. मतलब ये आपका ऐसे पूरा ऑब्जेक्ट बन जाता है, अ कंबाइंड ऑब्जेक्ट विथ ऑल द इंटरनल लाइंस. पूरे के पूरे जो अंदर के लाइंस है वो डिलीट हो जाएंगे. मतलब इससे मैं क्या कर सकता हूँ, तो इससे मैं काफी सारे अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशंस कर सकता हूँ. जैसे कि अभी मैंने ये इंटरसेक्ट किया एक दूसरे में, और इन दोनों को मैंने पकड़ा, और यहाँ पर मैंने वेल्ड कहा. तो ये देखो, फाइन, अगर मैंने यहाँ पर एक स्टार लिया, और फिर उसके बाद मैं बराबर बीच में से ये स्टार बना रहा हूँ. ओके, इसके पॉइंट्स तीन ही हैं, मैंने ऐसे रखे, चार पॉइंट्स रखे, और मैं इनको सिलेक्ट करके ये पहला बटन वेल्ड दबा रहा हूँ. ये देखो, बन गया आपका बहुत अच्छा शेप, कुछ तो भी, राइट? समझ गए आप एवरीवन? इज देयर विद मी? समझ गए हो? यस. करुता मैडम ना, बात नहीं कर रहा. करुता मैडम कहाँ चले गए सर? आए सर, आए आए ना. शीतल मैडम समझ लो सर, म्यूट में. हाँ, क्या सुले ओ सर? ओ हो, आपने हमको म्यूट में रखा है ना, इसलिए हम हमारी आवाज नहीं आ रही. अच्छा, समझ में आ गया ना आपको ये? यस सर. ओके, तो अभी यही चीज यूज करके हम अभी का और हमने जो अभी तक सीखा उसका कॉम्बिनेशन करेंगे. तो उसके लिए अभी मैं क्या करता हूँ, ये मेरा ग्रुप है, उसको मैं टेम्पररी अनग्रुप कर देता हूँ और इस चीज को मैं ऊपर डाल देता हूँ. ओके, तो अभी मुझे बनाना है, इसको मैं जरा बाहर ही रख देता हूँ. ओके, एक एक पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे. अभी मुझे ये चीज बनाना है. ओके, तो सर्क्यूलर है, और यहाँ पर आप देखोगे तो ये शार्प है. ओके, तो क्या कर सकते हैं हम, सर्क्यूलर है मतलब सबसे पहले तो मुझे एक सर्कल बनाना ही पड़ेगा. ओके, ये सर्कल मैंने बना दिया, और ऊपर की तरफ ये शार्प है. मतलब ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट हो सकता है जो ऊपर की तरफ शार्प है और फिर ये ऐसे स्लांट आ रहा है, कौन हो सकता है ऐसा? ट्रायंगल. यस, वेरी गुड, आपने दो बेसिक शेप्स जान लिए, वेरी गुड. और यही इंपॉर्टेंट चीज है. तो ट्रायंगल बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर पॉलीगॉन में आऊंगा. अगेन सुलेखा, यू विल नोटिस दैट कि ये ओवरफ्लो मेन्यू है, यहाँ पर क्लिक करके रखना पड़ेगा आपको, और फिर बाकी के बंदे जो है वो आ जाएंगे. तो पॉलीगॉन, पॉलीगॉन को ही बाहर बना देंगे हम. आपका पॉलीगॉन ऐसे नहीं आएगा. मैंने ये असाइनमेंट बनाने के लिए पहले सारा चीज बनाया था आपको दिखाने के लिए, इसलिए ये डायरेक्ट सेटिंग में आ गया है. तो पॉलीगॉन आपका ऐसे आएगा. ओके, इट विल बी अ पेंटागॉन. इस पेंटागॉन को आप चेंज करोगे नंबर ऑफ साइड्स तीन बना के ट्रायंगल में. अंडरस्टूड यहाँ तक? और फिर आप क्या करोगे, ये पिक टूल लोगे, और पिक टूल लेके बराबर इसको ऐसे बीच में से उठाओ, ऐसे कॉर्नर में से मत उठाओ, बीच में से उठाओ, और उसको रखो आप इसके क्वाड्रेंट पॉइंट पे. सर्कल को चार क्वाड्रेंट पॉइंट्स रहते हैं पब्लिक. पहले रहते हैं ये दो, ये पॉइंट और ये पॉइंट, और फिर रहते हैं ये दो, ऊपर वाला पॉइंट और ये नीचे वाला पॉइंट. ऐसे चार क्वाड्रेंट पॉइंट्स सर्कल में रहते हैं. ओके, तो मैंने क्या किया, अभी ये ट्रायंगल को सिलेक्ट किया और उठा के मैंने बराबर ऊपर वाले क्वाड्रेंट पॉइंट पे रख दिया. बस आपका असाइनमेंट हो गया. थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ, फाइन, और वेल्ड कर देता. नहीं, अभी ये एक ही है क्या?
अगर ये एक रहता था तो आपका काम यहां पर हो जाता था, ये देखो बराबर, लेकिन ये मल्टीपल में है और सर्कल में है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी फिर से क्लिक करना पड़ेगा और इसका जो सेंटर पॉइंट है वो मुझे नीचे लाना पड़ेगा इस सर्कल के सेंटर पॉइंट पे ऐसे, और फिर मैं इसको एक बार रोटेट करूंगा और फिर कंट्रोल आर प्रेस करके मैं इसके डुप्लीकेट्स बनाऊंगा। अगर आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ डुप्लीकेट्स चाहिए, फॉर एग्जांपल 25 डुप्लीकेट्स चाहिए मुझे, तो आप क्या कर सकते हो, कोई बता सकता है आप क्या कर सकते हो? अगर मुझे 25 क्वांटिटी चाहिए, फुल सर्कल कितने डिग्रीज का रहता है? 360 डिवाइडेड बाय 25, ये मुझे करना पड़ेगा। मान लेते हैं मुझे 30 चाहिए, तो 360 डिवाइडेड बाय 30, अंडरस्टूड? जितने क्वांटिटी चाहिए डिवाइडेड बाय दैट नंबर, 360 डिवाइडेड बाय दैट नंबर, ओके। तो मान लेते हैं 25 चाहिए, तो अगर मैं 360 डिवाइडेड बाय 25 कर देता हूं तो 14.4 ऐसे आंसर मिल रहा है। तो अभी यहां पर आप नोटिस करो, नोटिस यहां पर मैं इसको ड्रैग करूंगा और जब तक 14.4 न आए तब तक मैं इसको ड्रैग करूंगा, ओके, स्लोली स्टेडीली ड्रैग करना है आपको। 14.5 ठीक है चलेगा, 14.4 फिर भी ट्राई करूंगा, यस मिल गया। अभी मैं राइट क्लिक करूंगा, ओके, अभी मैं राइट क्लिक करूंगा, वो थोड़ा सा आपको सांस आपका अटकाना पड़ेगा उस टाइम पे, और मैंने कंट्रोल आर दबा दिया, फाइन, ये इक्विडिस्टेंट आ गए। अभी मैं इनको सबको पकड़ूंगा और मैं वेल्ड कर डालूंगा, मेरा पहला असाइनमेंट खत्म, सिंपल। इसको जो चाहिए वो कलर आप दे दो, कोई दिक्कत नहीं, फाइन। ये हो जाने के बाद अभी ये असाइनमेंट देख लेते हैं हम, बहुत ही सिंपल असाइनमेंट है। यहाँ पर आप क्या यूज कर सकते हो, कोई आइडिया है? ये पूरा देखो, पूरा देखो आप, फिर आपको आइडिया आ जाएगा। ऐसा एक रेडीमेड ऑब्जेक्ट है अपने पास, नहीं? हाँ, रेडीमेड है। हाँ, देखो, I will use a rectangle maker. Yes, rectangle use करूँगा। And उसका और उसका width मैं रखूँगा। हाँ, for example मैंने width 10 रखा, और यहाँ पर radius देते time मैं 5 दूँगा। मतलब क्या हो जाएगा? ये बराबर ऐसे आ जाएगा, यहाँ का 5 और यहाँ का 5। मतलब ये पूरा राउंडिंग मिल गया मुझे, अंडरस्टूड? और फिर उसके बाद क्लिक, इसका सेंटर पॉइंट यहाँ पर ही रहेगा और इसको हम करते हैं 14.4, ओके, 14.3 हो गया, 0.1 डिग्रीज का थोड़ा सा डिफरेंस अपने को मिल जाएगा जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये देखो, ओके, तो ठीक है अभी के लिए, ठीक है इसमें, एंड यू वेल्ड इट, ओके। ये हो गया आपका दूसरा बैच तैयार, ओके, अभी तीसरा बैच बनाते हैं। हाँ बोलो सर। हाँ बोलो ना, रुका हूँ मैं। एंड दैट इज डिफरेंट क्या? सॉरी, आपका ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों डिफरेंट है, ऊपर वाला पाइनएप्पल है, नीचे वाला नहीं है, क्योंकि रोटेशन के डिग्री जो है वो अलग है। ये देखो, बताता हूँ क्यों अलग है, अब भी हम सेम उसके जैसा ही बनाएंगे। देखो, विजुलाइज करो, मैंने ये ज्यादा रखा है, अंडरस्टूड? मतलब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जो है मेरे वो कम है। अभी ये लाइन भी दिख रहा है ना, ये देखो दिख गया लाइन, अंडरस्टूड? मतलब इंस्टेड ऑफ कितने 14.4 डिग्रीज, यू कैन रोटेट इट बाय थोड़ा सा बड़ा डिग्रीज, फॉर एग्जांपल 28 डिग्रीज, ओके, तो 28.4, 27.7, 28.5, ओके, 28.5 पे मैंने फाइनल किया उसे, थोड़ा सा एरर मिल गया। अगर आपको अब आज के लिए जमता है तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, वो एग्जैक्ट
आने के लिए मैं क्या करने का वो मैं आपको बाद में बताऊंगा स्लोली, ओके। लेकिन अभी के लिए इतना सा छोटा सा एरर आ गया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ओके। ये तो ऑब्जेक्ट काफी सिंपल है, ये ऑब्जेक्ट तो काफी सिंपल है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक सिंपल सा रेक्टेंगल निकालना है और इसी रेक्टेंगल को आपको वापस घुमाना है, ओके, ऐसे, और फिर कंट्रोल आर, और ये आपका असाइनमेंट खत्म। आपको इसको पकड़ के वेल्ड मार देना है, बात खत्म, ओके। ये बैच अभी दिस बैच, ओके, ये बैच में अगर आप देखोगे तो ये ऐसा है, ओके, एंड दिस इज अ क्रॉस सेक्शन। ये जो है ये क्रॉस सेक्शन है अपना एलिप्स का, ओके, ये देखो ये एलिप्स हमने बनाया, पिक टूल लिया, फिर से क्लिक किया ताकि रोटेशन मिल जाए, और इसको हमने रोटेट किया कुछ ऐसे रखा, और कंट्रोल आर हमने दबा दिया, और फिर इनको सबको पकड़ के हमने वेल्ड बोल दिया, और ये कलर डाल दिया, सिंपल। अंडरस्टूड एवरीवन? ये यार ऊपर का अलग नहीं है क्या? सर दिस सन एंड दैट वन इज डिफरेंट, नो? इट हैज टू बी सेम ही है। इट इज गोइंग टू बी डिफरेंट। सी सुलेखा, अगर आप दोनों आर्टवर्क को कंपेयर करते हो, इट इज लाइक कैसा है, दिस इज नॉट अ टेक्निकल ड्राइंग जो आपको एग्जैक्ट ही मिलेगा हमेशा। गेटिंग नहीं, शेप अलग है। वही अभी ठीक लग रहा है। ना ना, कैसा है, दिस इज अ आर्टवर्क, और इट इज लाइक पेंटिंग या इट इज लाइक ड्राइंग। तो एखादे आर्टिस्ट ने कुछ पेंट किया है और उसको आप बोलते हो कि वापस बना, सेम टू सेम ज़ेरॉक्स, सेम टू सेम आना चाहिए, इज इट पॉसिबल? नहीं नहीं। तो कुकिंग भी हाँ हाँ यस ये बराबर, लेमैन एग्जांपल, हर रोज का कुकिंग बराबर है। आज आपने जो मिष्टी दही बनाया वो सेम कल वैसे ही लगेगा, ऐसे नहीं ना, बराबर? तो वैसा है ये चीज, क्योंकि कैसा है सिंपल, कि यहाँ के जब मैंने आपके लिए बनाया तो इसके डायमेंशंस अलग है, इसके डायमेंशंस अलग है, इसका रोटेशन डिग्रीज अलग है, इसका रोटेशन डिग्रीज अलग है। लेकिन अगर ये चीज मुझे डायमेंशन में दिया रहता था कि केदार मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स इज दिस मच, माइनर एक्सिस ऑफ द इलिप्स इतना है, रोटेशन एंगल इज इतना थीटा, तो मैं छापते ही जाऊंगा ना उसे सेम टू सेम। Getting my point? Yes. Right. So, तो वो difference पड़ जाता है. This is, ये जो है वो non-technical है. Okay. अभी ये चीज देखो कैसे बनाया है. ये तो काफी सिंपल है. इसके लिए आपको एक पॉलीगॉन बना देना है. Okay. ये पॉलीगॉन हमने बनाया. पहले तीन था इसलिए अभी भी तीन आ गया. अभी यहाँ पर मैं बोल देता हूँ कितना, 25. Okay. ये 25 बोल देने के बाद ये जो बीच वाले पॉइंट्स मिल गए हैं उनको शेप टूल लेके, सेकंड टूल शेप टूल लेके मैं सिर्फ थोड़ा सा अंदर लाऊंगा, बस हल्का सा अंदर, ओके, एंड ये बन गया मेरा शेप। ये देखो ये बैच भी बन गया, समझ गए? अंडरस्टूड मुझे चाहिए अभी 30 फॉर एग्जाम्पल, और फिर उसके बाद शेप टूल लिया, और शेप टूल लेके कोई भी एक नोड पॉइंट को हल्का सा अंदर लाना, ओके, हल्का सा अंदर लाने के बाद ये ऑटोमेटिक आपको यही शेप मिलने वाला है, समझ गए? वाओ, हाँ, सिंपल, यस सर, गुड गुड। अभी अभी पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ, हाँ ये दिखाता हूँ, इसको मैं जरा डिलीट कर देता हूँ ताकि ये बीच में ना आए। अरे लेकिन वो लगेंगे अपने को बाद में, ये बच्चे अपने को बाद में लगने वाले है।
ये नहीं लगेंगे, मैंने जो बनाया उतना ही लगेगा। ओके अभी अभी या आई सेड ये सिखाना है आपको। ओके तो ये तो काफी सिंपल है, इसके लिए आपको क्या करना है, एक सर्कल निकालनी है। ओके सर्कल मतलब कंट्रोल पकड़ के आप सर्कल निकालो, पिक टूल ले लो और इस बंदे का जो सेंटर पॉइंट है वो सेंटर पॉइंट नीचे रखो, क्वाड्रेंट पॉइंट पे, नीचे वाले क्वाड्रेंट पॉइंट पे, और इसको आप रोटेट करो। ओके रोटेट कर देने के बाद राइट क्लिक, मतलब हमने कॉपी किया उसे, और कंट्रोल आर बस। ओके ये कंट्रोल आर बनाया, ये ऐसे बनाया, इसको पकड़ के इसको पकड़ के कुछ नहीं करना है, ये बिल्कुल नहीं करना है आपको, उसको पकड़ के ऐसे ही रखना है और एक उसके अंदर आपको सर्कल बनाना है, बराबर सेंटर से चालू हो जाना चाहिए सर्कल और कुछ ऐसे सर्कल आ जाएगा, उसको आप वाइट कलर में रखोगे, वाइट कलर मतलब ये बीच वाला बन गया। और अभी स्केल टूल लेके शिफ्ट पकड़ के कोई भी कॉर्नर से आप उसको स्केल करना, और जितना चाहिए उतना स्केल करो और राइट क्लिक करो एंड नया कलर डाल दो उसमें, समझ गए? ओके गुड, तो ये डिलीट, ये बंदा अपना चला जाएगा यहां पर। अभी मैं लेता हूं ये भी बहुत ही सिंपल है। ओके इसको बना देते हैं, इसके लिए पहले मैं सर्कल निकालूंगा और ये सर्कल जो है वो मेरा बाहर वाला सर्कल है। अभी अंदर वाला सर्कल बनाने के लिए मैं और एक सर्कल बना सकता हूं, या फिर अभी जो टेक्निक मैंने यूज किया, शिफ्ट पकड़ के यहां पर आना और इतना निकाल के राइट क्लिक करना, दिस इज पहला टेक्निक। नहीं जमता है कोई दिक्कत नहीं, आज के दिन के लिए दूसरा और एक सर्कल बनाओ इससे छोटा, दोनों को पकड़ो, सी सेंटर हॉरिजॉन्टली, ई सेंटर वर्टिकली, इस बंदे को कहां पर भी रहने दो, कितना भी दूर रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, पहले इसको पकड़ो जो मूव होने वाला है, शिफ्ट पकड़ के इसको पकड़ो, सी हॉरिजॉन्टली सेंटर हो गया, ये देखो ई वर्टिकली भी सेंटर हो गया, मतलब ये दोनों सर्कल्स अपने हो गए। और ये जो बंदा है अंदर वाला वो अपने पास रेडीमेड है और उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स स्टार। ये कॉम्प्लेक्स स्टार आप निकालो, उसको जो कलर देना है वो दे दो और इस बच्चे को रखना आप अंदर, ये दोनों के लगभग बीच में। ओके फिर क्या करना है आपको, इसको घुमाना है, तो उसके लिए आप इसके ऊपर फिर से क्लिक करोगे और इसका जो सेंटर है वो इस बंदे के सेंटर में रखोगे एंड आपका असाइनमेंट खत्म। राइट क्लिक कंट्रोल आर। ओके सर ये जब ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो राइट करके सब सर ये जो आप एरो पकड़ के साइड करते हो ना, शिप पोजीशंस करते हो ना, देन राइट क्लिक जो करते हो वो छोड़ने के बाद राइट क्लिक करते हो ना? नहीं ये देखो ये निकाला मैंने, ये मैंने फिर से क्लिक किया, ये मैंने लेट से फॉर एग्जांपल यहाँ पर लाके रखा, अभी इसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ और जब जितना ड्रैगिंग चाहिए उतना किया, फिर राइट क्लिक किया, ये रोटेशन के लिए। अभी नहीं ना तो ड्रैग जो करते हो वो तो क्लिक से करते हो ना? देखो ना स्केलिंग के लिए शिफ्ट दबाया मैंने, इसको ड्रैग किया ऐसे, ओके और अभी राइट क्लिक किया, यही क्वेश्चन था आपका या कुछ अलग था? ये भी टेकन लाइक नोटेड, आपने जो बोला मेरा था कि हम जब ये ड्रैग करते हैं ना न्यू साइज बगल में लाने के ऑब्जेक्ट है घुमाने के लिए, घुमाना है या स्केलिंग करना है? घुमाना है तो फिर से क्लिक किया तो ये रोटेशन आ गया। अभी अभी
क्लिक करके घुमा रहे हो ना? हाँ, क्लिक करके घुमा रहा हूँ, ये देखो घूम गया, अभी इतना मुझे घुमाना है और उसके बाद कॉपी भी करना है, इसलिए राइट क्लिक छोड़ दिया। हाँ राइट क्लिक किया, राइट क्लिक। अगर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया उसे तो ये रोटेट होगा, हाँ अगर मैंने राइट क्लिक किया हाँ तो ये कॉपी होगा। मेरी सर, हाँ क्या मेरी प्रॉब्लम तो यही हो रही है सर, यही पे मुझे करेक्ट करना है अपने आप को। कहाँ पर? सर आपने घुमाया, घुमाइए, अभी लेफ्ट क्लिक पकड़ के घुमा रहे हो? हाँ लेफ्ट क्लिक पकड़ के। अभी लेफ्ट क्लिक को छोड़ोगे? छोड़ दिया, छोड़ दिया तो ऐसे हो गया, बराबर कॉपी नहीं हुआ। कॉपी नहीं हुआ, कॉपी करने के लिए ही लेफ्ट क्लिक को पकड़ के रखा है अभी भी, और मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ और फिर दोनों एक साथ छोड़ रहा हूँ। मैं बोला ना कि थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगा उस, थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगा। अभी ये बंदे को अपने को करना है, ये भी काफी सिंपल है, इसका तरीका देखो क्या है, मैंने ये चीज बनाया और फिर उसके बाद इसको ड्रैग करके मैंने राइट क्लिक ताकि कॉपी हो जाइए, और फिर मुझे इतना ही पोर्शन चाहिए, ये चांदी चाहिए ना मुझे, राइट? तो उसके लिए मैं आ जाऊंगा 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये छठे टूल में, इट इज स्मार्ट फिल टूल, 6th टूल, ओके स्मार्ट फिल टूल। ये स्मार्ट फिल टूल ले लो, अंदर क्लिक करो, यहाँ पर भी अंदर क्लिक करो, बात खत्म। सिर्फ ये क्या करता है, एक नया ऑब्जेक्ट बनाता है, ये कुछ ऐसा, इसको आप डिलीट कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये अलग ये अलग। गॉट इट? समझ गए क्या किया हमने? हमने एक इंटरसेक्शन खुद से बनाया, ये ऐसे, ये चांद बनाया हमने, और इस चांद को फिल करने के लिए हमने ये स्मार्ट फिल टूल लिया। तो स्मार्ट फिल टूल क्या करता है, जितना क्लोज्ड बाउंड्री है उसको उसको ही वो बंदा फिल कर देता है और ये नया ऑब्जेक्ट बनाता है, इट क्रिएट्स अ न्यू ऑब्जेक्ट। तो फिर ये जो टेम्पररी ऑब्जेक्ट है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और ये बना दिया मैंने, इसके अंदर मैंने एक रखा क्या, सर्कल, ओके इसको मैंने किया ग्रुप कंट्रोल जी ताकि मैं एक साथ उसको स्केलिंग कर पाऊँ, और फिर एक सर्कल, और फिर एक सर्कल इस बंदे से छोटा, इसको मूव करना है इसलिए इसको पकड़ा, शिफ्ट पकड़ के इसको पकड़ा, सी सेंटर, ई सेंटर, और इसको पकड़ के मैंने अभी थोड़ा सा स्केल किया, ओके और इसको रखा मैंने यहाँ पर, अभी भी और थोड़ा सा स्केलिंग चाहिए इसलिए ये स्केलिंग किया, और फिर उसके बाद ये ऐसे हो सकता है आपका, अभी ये देखो ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है, समझ गए, ये ऐसे आपका भी हो सकता है। तो ऐसे टाइम पे क्या करना है आपको, ये ऐसे स्केल का ऐसे सिलेक्ट करना है, यहाँ से ड्रैग करके ऐसा, ओके ये देखो यहाँ से ड्रैग करके ऐसा, दिस इज कॉल्ड एज विंडो सिलेक्शन, इसको हम विंडो सिलेक्शन कहते हैं, लेकिन विंडो में ऐसा मत करना, पूरे सब सिलेक्ट हो जाएंगे, आपको इतना ही सिलेक्ट करना है, क्लिक से सिलेक्ट नहीं हो रहा है, ये बाहर का सिलेक्ट हो रहा है, ऊपर का आई मिंटू से। तो इसको मैंने ऐसे विंडो से सिलेक्ट किया, बस खत्म बात, आपकी असाइनमेंट हो गई। इसको ड्रैग किया और राइट क्लिक कंट्रोल आर, एंड ये आपका दूसरा जो बैच है वो बन गया। अंडरस्टूड? समझ गए? तो इसको अभी ठीक है, अभी अपने पास टाइम भी नहीं है, इसको आप जैसा चाहिए वैसा रखो, मैं आपको कल एक्सप्लेन करूँगा कि इसको बराबर से प्रेजेंटेबल कैसे रखना है, आप सिर्फ उसको ऐसे पेज पे लाके छोड़ दो, ओके समझ गए? सर अभी ये जो लास्ट वाला आपने किया है ना, तो उसमें सबसे पहले हमने जो सर्कल निकाला था उसको फिर आपने हमने
आधे आधे इसमें ये कर दिया दूसरा वाला. अर्धच असं नाही मॅडम, आपल्याला तो म्हणजे कोर पाहिजे चंद्रकोर बरोबर, इसलिए मैंने ऐसे रखा ताकि ये ऐसे आ जाए. सी आप ऐसे भी रख सकते थे लेकिन, नहीं, लेकिन बाद में आपने इसको इसको डिवाइड किया ना दो सेपरेट इसमें, वो अपने आप हो गया. नहीं किया वो अपने आप, वो अपने आप हो गया. स्मार्ट फिल टूल लेते हो ना आप और क्लिक करते हो तो ना जो पोर्शन है वो फिल हो गया, फिर से यहाँ पर आ गया, मैंने क्लिक किया ये. फिर हम हमें अगर कलर सिलेक्शन करना है सर इसमें स्मार्ट टूल, ये फिल टूल लेते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं ना. ये देखो अपना पुराना जो थ्योरी है, पुराना थ्योरी अपना हमेशा चल, ओके. तो उसने उसने जो कलर दिया उसके ऊपर थोड़ी ना हम समाधानी है, ओके. वो देगा उसको एक्सेप्ट करो आप. थेरोटिकली आप यहाँ से जाके आप कलर चेंज करते हो एंड देन आप फिल करते हो, बट दैट इज थेरोटिकल. प्रैक्टिकली आप क्या करो, जो भी कुछ कलर ये बंदा देता है स्मार्ट फिल टूल आपका, जो भी कुछ कलर देता है उसे एक्सेप्ट करो. आप ये जो ओवरलैपिंग ऑब्जेक्ट्स बन गए हैं उसको डिलीट कर दो, नहीं तो वो स्ट्रे ऑब्जेक्ट्स बन जाते हैं. और फिर इसको आप आपका जो कलर चाहिए वो आप दे दो, कोई दिक्कत नहीं. समझ गए शीतल मैडम? यस सर. राइट, तो वो आर्ट और उसको अपने आप मतलब सर सर ये जो दो अलग अलग अपने आप हो जाते हैं क्या? अपने आप बिल्कुल बिल्कुल. मैं दो बार क्लिक कर रहा हूँ ना वहां पर, ये देखो मैं एक बार क्लिक किया. अच्छा. एक बार क्लिक किया सिर्फ ये एक ऑब्जेक्ट बन गया. मैं फिर से यहाँ पर क्लिक किया वो दूसरा ऑब्जेक्ट बन गया. समझ गए? ओके ओके ओके. अगेन करेंगे तो अगेन बनेगा क्या? हाँ बिल्कुल, जितनी बार चाहिए उतनी बार चापो आप, उसको थोड़ी ना कुछ लगेंगे आपको. ये कॉस्ट है, जितनी बार चाहिए उतनी बार ले लो. कितनी बार चाहिए सुलेखा? Okay. बोलो. बहुत बार चाहिए. इनफाइनाइट बार, इनफाइनाइट बार हो जाएगा वो.